मोहित आर्ट रूम के आज के एपिसोड दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और ये है आपका प्यारा सा मोहित आर्ट रूम, जहां हम करते हैं मस्ती, धमाल और बहुत सारी क्रिएटिविटी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मोहित आर्ट रूम के आज के एपिसोड में पुराने कॉफी जार को हम मशरूम हाउस में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव काम होने वाला है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का मजेदार ब्रांड न्यू क्रिएटिव एपिसोड। ये है वो पुराना कॉफी का जार जिसको आज हम मशरूम हाउस में कन्वर्ट करेंगे। अमेजिंग यार, आज के एपिसोड में हम पुराने कॉफी जार को मशरूम हाउस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव काम होगा। एक बेकार सा जार जिसे हर कोई फेंक देता है, उस जार को हम यूजफुल बनाएंगे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से। तो देर किस बात की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का मजेदार ब्रांड न्यू क्रिएटिव एपिसोड। आपको लेना है पुराना कॉफी का जार या फिर ग्लास का कोई भी जार, जैसो फेविक्रिल मोल्डेड क्ले, बेसिक स्टेशनरी बॉक्स, मिस्टर पुछ पुछ और ढेर सारे एक्रेलिक कलर्स। अमेजिंग। सबसे पहले आपको मोल्डेड क्ले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको प्रॉपर शेप में हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारे ग्लास जार के ऊपर उसको अच्छे तरीके से स्टिक करेंगे और स्टिक करके उसमें हम रखेंगे ढेर सारी डिटेलिंग, क्योंकि डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कोई भी DIY में। अमेजिंग। क्ले को स्टिक करने के बाद ब्रश की हेल्प लेकर उसके ऊपर डिटेलिंग रखेंगे, जो कि बहुत ही इजी पार्ट है। उसके बाद में और क्ले लेकर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग रखना स्टार्ट करेंगे और हमारे मशरूम हाउस को क्रिएट करेंगे। ये प्रोसेस आप लोग ध्यान से देखना और अच्छे से सीखना, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में हम एक बेकार सी बोतल को मशरूम हाउस में क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस और ढेर सारी क्रिएटिविटी। अमेजिंग। यार, आप लोगों के घर पे भी इस तरीके के पुराने जार्स होंगे, उस जार के साथ आप क्या करते हो? फेंक देते हो या कुछ क्रिएटिव काम करते हो, या फिर उसके अंदर कुछ भी भर के हर इंडियन घर की तरह किचन में पड़े रहने देते हो? जल्दी से मेरे साथ कमेंट्स करके बताओ। बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारी डिटेलिंग हम रखेंगे हमारे मशरूम हाउस में। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अमेजिंग। एक्रेलिक कलर्स की जो छोटी सी डब्बी आती है ना, उसका कलर खत्म होने के बाद उसकी बोतल वेस्ट हो जाती है, पर उसी बोतल को यूज करके आज हमने मिनी मशरूम हाउस क्रिएट किया है। ये एक्रेलिक कलर्स की बोतल को यूज करके आज हम मिनी मशरूम हाउस को क्रिएट करेंगे। अमेजिंग। मिनी मशरूम हाउस को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है। थोड़े से क्ले में ये प्रोसेस हो जाती है, पर छोटा हाउस है तो यार इसके अंदर डिटेलिंग रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर उसे भी हम आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस आगे तक वीडियो देखो किस तरीके से हमने छोटी छोटी डिटेलिंग रखी है बहुत ही आसान तरीके से और क्रिएट किया है मिनी मशरूम हाउस। अमेजिंग।
यार क्ले से चीजें क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान और क्रिएटिव सी प्रोसेस होती है। ये वाली प्रोसेस मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आप लोगों को क्ले यूज करना पसंद है या नहीं, जल्दी से कमेंट्स करो। अमेजिंग। बचे हुए क्ले को हर बार हर कोई ना कोई फेंक देता है, पर उस क्ले को यूज करके आज हमने किचन क्रिएट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा मजे। जब भी हम क्ले से कुछ क्रिएट करते हैं हमेशा थोड़ा सा क्ले बच जाता है और वो क्ले सूख जाता है और वेस्ट हो जाता है, पर इस बार वही क्ले से हमने किचन क्रिएट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लुक दे रहा है। अमेजिंग। क्ले के सूखने के बाद हम उसके ऊपर जेसो का कोट चढ़ाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जेसो का कोट हम हमारे DIY में इसलिए चढ़ाते हैं कि जिसके ऊपर हम जो भी कलर्स करें वो अच्छे से मजबूत तरीके से उसके साथ चिपक के रहे। अमेजिंग। तो बस हमारे सारे आज के DIY के ऊपर अच्छे तरीके से जेसो का कोट चढ़ाएंगे और उसे भी अच्छे तरीके से सूखने देंगे। अमेजिंग। आज से कुछ दिन पहले हमने और एक बहुत ही प्यारा और एस्थेटिक सा जार हाउस क्रिएट किया था। अगर वो जार हाउस आप देखना चाहते हो तो जल्दी से ये वाली वीडियो को जाकर तुरंत देखो। जेसो का कोट सूखते ही किचन के ऊपर रेड कलर को अच्छे तरीके से पेंट करेंगे, उसके बाद में रेड कलर पे व्हाइट कलर से डिटेलिंग रखेंगे और कमेंट्स करके बताओ ये आपको क्या चीज लग रही है। अमेजिंग। यार ये पुराने जार जिसे हर कोई फेंक देता है उसको हमने इतने क्रिएटिव तरीके से मशरूम हाउस में कन्वर्ट किया। आप लोगों को ये DIY कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में शेयर कर। मशरूम हाउस को हम बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ और धीरे धीरे करके पेंट करेंगे और ढेर सारे क्रिएटिव कलर्स के साथ हमारे मशरूम हाउस को पेंट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एस्थेटिक दिखने वाला है। इसके सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखने के लिए मोहित आर्ट रूम को इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर देना। अमेजिंग। जार हाउस को पेंट करने के बाद उसके ऊपर रखेंगे ढेर सारी क्रिएटिव सी डिटेलिंग। अमेजिंग। को ये मिनी मशरूम हाउस कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स करो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो मोहित आर्ट रूम को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे और एक अनोखे क्रिएटिव से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंजॉय द लिटिल थिंग्स एंड ऑलवेज क्रिएट समथिंग न्यू। बाय।